हेलो किड्स आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बार फिर से जंबल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। हमने अपनी पिछली वीडियो में From question number 1 to 20, practice किया था और और आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इससे पहले कि कि मैं वीडियो करूं, मैं शुरू आपको एक और भी information दे इंग्लिश ओलंपियाड जो है वो सेवनटीन दिसंबर को इंडिया में हेल्ड होगा सो so आप जिस किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो या हिंदी मीडियम स्कूल में अगर आप भी इंग्लिश ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड हो सो so प्लीज़ अपने स्कूल के ऑफिस में जा कर के आप इंक्वायरी करें पता करें और अपने स्कूल से ये कन्फर्म करें कि वो इंग्लिश ओलम्पियाड का एग्जाम अगर करवा रहे हैं देन डेफिनेटली आप उसमें पार्टिसिपेट करो बच्चों और अपनी प्रैक्टिस भी आप खुद देख लो कि आप कितना प्रैक्टिस किए हुए हो और आप कितना अच्छा कर सकते हो किसी भी इंग्लिश एग्जाम में बाय द वे मैं आपके साथ अभी कुछ दिन रहूंगी बहुत लेट में मैंने आपके लिए वीडियो लाया है बट अभी मैं फिर से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी ताकि अपकमिंग जो ये ओलंपियाड एग्जाम होने वाला है वो आपका बहुत बेहतर हो सके अभी हम लोग क्लास वन का इंग्लिश ओलंपियाड कर रहे हैं फिर अपने कुछ वीडियोज़ में मैं क्लास टू का भी इंग्लिश ओलंपियाड प्रैक्टिस आपको ज़रूर करवाऊँगी और उसके बाद थर्ड की भी कोशिश करूँगी तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की क्लास सो so, बच्चो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू टू थर्टी फाइव यू हैव टू री द वर्ड्स एंड यू हैव टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस राइट सो चलो स्टार्ट करते हैं देखते हैं मेरे साथ हमेशा के जैसे कुशाग्र आज भी हैं सो so मैंने उन्हें कोई प्रैक्टिस नहीं करवाई है सो so चलो देखते हैं कि कुछ अपनी तरफ से प्रैक्टिस करके कैसे सेंटेंस को इन वर्ड्स को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं सो so, कुछ आर यू रेडी यस ओके नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इज हिल वी स्टेशन वेंट अ टू सो बच्चों आप इसको केयरफुली अच्छे से पहले आप पढ़ना देन जस्ट रीड ऑल द फोर ऑप्शन सो कुशाग्री यू हैव टू रीड ऑल द फोर ऑप्शन एंड ऑप्शन नंबर ए इज वी वेंट टू अ स्टेशन हिल ओके Then the second one is we went a to hill station. Then the third one we went to a hill station, and the fourth one is we too went a hill station. So which one is the correct answer according to you? We went to a hill station. Yes, absolutely right. It means. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वी वेंट टू अ नाउ स्टूडेंट्स जिनको अभी प्रॉब्लम हो रही थी मैं आपको बताऊं बच्चों कि किसी भी सेंटेंस में सबसे आगे जो होता है दैट इज द सब्जेक्ट सब्जेक्ट सबसे आगे होता है और सब्जेक्ट जो है वो आपका प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है सो so, ये प्रोनाउन है और उसके बाद जो आता है हमारा दैट इज अ वर्ब राइट सो सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब आ रहा है ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म है और बच्चों थोड़ा आप एक ये भी सेंस लगाना गार्जियन से और टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को बताएं कि कभी भी वेंट के बाद ए आर्टिकल नहीं आएगा वेंट टू ही आना है सो वेंट टू वेंट टू इस प्रकार से वेंट अ वेंट अ ये दोनों तो पहले से ही रोंग हो गया क्योंकि वेंट uh. अभी बात हो रही है या वेंट टू हिल स्टेशन और यहाँ पर था वेंट टू स्टेशन हिल सो स्टेशन हिल इज नॉट एनी वर्ड हिल स्टेशन इज अ वर्ड यानी पहाड़ी जो इलाका है उसको हम हिल स्टेशन बोलेंगे जहाँ पर हम घूमने जाते हैं इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा वी वेंट टू अ हिल स्टेशन और आप इस सेंटेंस को अच्छे से बना सको बच्चों इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप इंग्लिश रीडिंग बहुत करो एवरी डे आप इंग्लिश की बुक पढ़ो बच्चों पूरी बुक नहीं पढ़ सकते पूरी स्टोरी नहीं पढ़ सकते बट ट्राई टू रीड एटलीस्ट वन पैराग्राफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल नॉट ओनली इम्प्रूव योर रीडिंग Uh, but it will also improve your uh, um, grammar. Uh, grammar uh, correction uh, you will get uh, by reading habit. So this is important. Now come to the question number twenty two. So the question number twenty two is name my Snoopy pet dogs is so name. You understand? Yani name my, my Snoopy is a name. Pet, you ho. डोमेस्टिक एनिमल के लिए हम पेट यूज करते हैं डॉग्स सो भी जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको मैं बता दूं कि जब भी एपेस्ट्रोफी एस लगता है डॉग्स इट मीन्स ऑफ डॉग इट मींस डॉग का कुत्ते का सो so इसलिए ये डॉग का है और इज यानी कि है दिस इज वर्ब भी सो so नाउ चलो सेंटेंस देखते हैं क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर स्नूपी इज माई नेम पेट डॉग्स इज इट करेक्ट नो पेट डॉक्स नेम स्नूपी माई इज इज इट करेक्ट ने माई पेट डॉक्स इज इट माई पेट डॉक्स नेम इज स्नूपी इज इट करेक्ट येस बच्चो दिस इज एक्सुलेटी राइट देखो आप बच्चों ऐसे देखो माई पेट यानी मेरा पालतू तो पालतू क्या हो सकता है डॉग अभी मैंने बताया एपिस्ट्रोफी इसका मतलब का तो मेरे पालतू डॉग का क्या चीज नेम मेरे पालतू डॉग का नेम है क्या है स्नूपी सो इस तरह से बच्चों आप वर्ड को अरेंज करिएगा एक ही बार में किसी भी ऑप्शन को पढ़ के आप करेक्ट नहीं हो जाएगा सपोज करो अगर आपको आप ऑप्शन ए करेक्ट है फिर भी आप थ्री ऑप्शंस पढ़ना हो सकता है कि आ, वो ना सही हो करके ऑप्शन बी या सी सही हो इसलिए पूरे ऑप्शंस पढ़ो उसके बाद ही राइट आंसर देना राइट चलो अभी आते हैं अपने father, office, everyday, my, so हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंड द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री गोज फादर ऑफिस एवरी डे माई एंड टू बच्चों देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ वर्ब देखते हैं गोज जिस भी वर्ब में एस या एस लगा है आप समझ जाओ वो प्रेजेंट टेंस है अभी हिंदी मीडियम के बच्चों को बताती हूँ कि जब गोज है इसका मतलब कि इसका हिंदी में बोलने में जो सेंस है ना बच्चों वो ता, ते, ती आएगा। यानी वह जाता है ही गोज वह पढ़ता है ही रीड्स वह लिखता है ही राइट्स यानी सब में एस या एस लगेगा ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है तो जैसे ही गोज आया किसी भी वर्ब में ऐसे एस एस ये लगा आप समझ जाना ये ताते है बच्चे जनरली गो है गोज पढ़ते उसको बोल देते है जा रहा है या जाता है नहीं ऐसे नहीं जा रहा है आप बोलेंगे जाता है ताते ऐसा एस लगे या, या ताते मैंने कई बार अपनी वीडियो में बनाया है कि जो अकेला है उसको एस वाला सहेला या सहेली चाहता है जैसे वह जाता है ही गोज वह जाती है शी गोज राइट और जो ज्यादा लोग है ना उनको कोई सहेली की अब हम लोग जाते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ना वी गो गो क्यों इनको एस वाला सहेला सहेली नहीं चाहिए क्योंकि वी अपने आप में खुद ही प्लूरल है तो इन्हें कोई सहेला सहेली नहीं चाहिए कोई संगी साथी नहीं चाहिए दे गो वे लोग जाते हैं ढेर सारे लोग हैं तो इसलिए ये अपने वर्ब में कोई भी प्रकार का एस वाला सपोर्ट नहीं चाहते बट ही और शी ये अकेले होते हैं ना कोई भी बॉय का नेम हो कोई भी गर्ल का नेम हो अगर वो अकेली है तो उसको सपोर्ट चाहिए एस वाली चाहे सहेली चाहे सहेला तो ये आपको इजीली समझाने के लिए होता है बच्चों ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप एग्जाम में फटाफट करोगे चलो अब आते हैं अपने टॉपिक पर गोज फादर फादर आप समझते हो yes, पिता ऑफिस एवरी आप समझते हो ना yes. प्रतिदिन माई एंड टू तो चलो अभी सेंटेंस पर आते हैं एवरी डे गोज टू ऑफिस माई फादर इज इट करेक्ट बिल्कुल माई फादर गोज टू ऑफिस एवरी डे इज इट करेक्ट यस ओके ये करेक्ट okay, है बट हम अभी दो ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद फाइनल करेंगे एवरी डे ऑफिस माई फादर गोज टू इज इट ट्रू ऑफिस एवरी डे माई फादर टू गोज नो no. और ऑप्शन बी करेक्ट था कुशाग्र माय फादर मेरे फादर क्या काम कर रहे हैं जाने का माय फादर गोज मेरे फादर जाते हैं कहा जाते हैं टू ऑफिस ऑफिस को जाते हैं अच्छा कब जाते हैं एवरीडे प्रतिदिन जाते हैं इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट था चलिए कुशाग अच्छा लग रहा है कि आप सेंटेंस बना पा रहे हो बट लेट्स सी अभी थर्टी फाइव क्वेश्चन देखते हैं कि आप कितना करेक्ट कर पाते हो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि कुछ ने पहले से कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है मैं इनको जस्ट लेकर के एज ए स्टूडेंट अपने साथ इसलिए भी बैठती हूँ कि एज अ गार्जियन मैं भी इवेल्यूएट uh, कर सकूँ कि एक क्लास वन या टू में पढ़ने वाला बच्चा अपने से खुद से सेंस कितना लगा पा रहा है क्योंकि आप भी एज अ गार्जियन या एज अ टीचर आप जब देखते हैं वीडियो को तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वीडियो ऐसी हो जो आपके बच्चे को ईजिली समझ में आ सके और मेरी भी कोशिश यही होती है कि अगर कुशाग्र जो एक एवरेज कैटेगरी uh, की स्टूडेंट है अगर ये कोशिश कर सकते हैं ना डेफिनेटली आपके भी बच्चे इसको सीख सकते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर राम गुड आर श्याम एंड फ्रेंड्स आई होप इस सब की हिंदी आपको आती होगी राम भी नाम है श्याम भी एक नाम है एंड मीन्स और फ्रेंड्स आप समझते हो yes. दोस्त आर यानि कि इज का प्लूरल है यानी है बच्चों मैंने कई बार बच्चों को बताया है कि देखो बच्चों आप ये चीज में अंतर समझो आप है और है नाक से बोल रहे हो जोर लग रहा है है के लिए आप इज यूज करते हो बट हैं के लिए आप आर का यूज करते हो ठीक है तो इस है और है में अंतर समझो सो so, राम और गुड का मतलब अच्छा तो सभी क्लियर हो गया आपको yes. अभी चलो सेंटेंस बनाते हैं राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स इज इट करेक्ट ओके फिर भी हम थ्री ऑप्शन पढ़ते हैं श्याम राम एंड फ्रेंड्स गुड आर फ्रेंड्स आर गुड राम एंड श्याम राम एंड श्याम गुड आर फ्रेंड्स नो हो यानी कि आपका ऑप्शन करेक्ट था ये सही है राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स राम और श्याम अच्छे फ्रेंड्स कि दोस्त हैं ठीक है अच्छा यहाँ पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगी कि बच्चों देखो तो ये आई है जनरली बच्चों को मैंने देखा है कि जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में होते तो बच्चे इस आई को मिस कर जाते हैं उनको लगता है ऐसे स्लैश में ये कुछ वन टाइप का कुछ लिखा है तो उनको लगता है ये वन कहाँ से आएगा तो बच्चों ये वन नहीं ये आई होता है आप प्लीज इस पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा इज इट ओके क्वेश्चन तो चलिए आइए देखते हैं हैड तो बच्चों ये हैड क्या है ये हैज या हैव का ही सेकेंड फॉर्म हैड गुड आई डे टू डे राइट अभी सेंटेंस देखते हैं

एक जनरल सेस ठीक है कुछ का कहना है कि इन्होंने एक अंदाजा लगाया एक कि जस्ट एक गेस्ट किया था तो ठीक है बच्चों अगर आप भी कभी कभी ऐसा सही वाला गेस्ट कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा आई हैड बच्चों देखो तो सबसे पहला तो आपको याद ध्यान दे, देना है कि आई हैड ठीक है और गुड अ नहीं होता है और गुड अ जैसे दिया ये गुड अ कोई नहीं होता है टू अ कोई वर्ड नहीं होता है ना अ डे गुड नहीं होता है अ अ गुड डे होता है अ डे गुड नहीं तो उससे yeah. आप एक सेंस आपने लगा दी अ गुड डे ठीक है अरे बच्चों आप लोग ने ऐड नहीं देखा है क्या गुड डे वाली बिस्कुट की गुड डे बिस्कुट आती है yeah, yeah. तो आई हैड अ गुड डे आई हैड अ गुड डे टुडे आई हैड अ गुड डे टुडे आई हैड अ गुड डे टुडे बच्चों जब आप दो बार तीन बार किसी सेंटेंस को ना बार बार जब आप प्रोनाउंस करोगे तो आपको खुद पे खुद लगेगा कि अरे नहीं ये वाला सुनने में थोड़ा सा ठीक लग रहा है और यही ग्रामेटिकली सही है ग्राम बच्चों जो ग्रामेटिकल एरर होता है जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको ग्रामेटिकली सुनने में लगेगा कि अरे नहीं ऐसा तो किसी को बोलते हुए भी नहीं सुना टीचर को भी नहीं पेरेंट्स को भी नहीं कहीं भी नहीं बुक में भी नहीं सो आई थिंक ये नहीं सही हो सकता और ये आपने पढ़, पढ़ा भी होगा बुक में आई हैड अ गुड डे आई हैड अ पेन आई हैड अ बुक राइट तो ऐसे आई हैड अ गुड डे टूडे राइट चलिए कुछ आग्रह कम टू द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आई होप बच्चों आप बोर नहीं हो रहे हो और बोर होना भी नहीं चाहिए Yes. पढ़ाई से क्यों बोर हो ना है ना yes. अभी चलो कम टू का ट्वेंटी अंदर ठीक है नाउ का मतलब अब मतलब या अभी -अभी, right? मतलब आप समझ ही रहे हो आना और प्लीज यानी आप समझते हो किसी से yes. आप रिक्वेस्ट करते हो अभी आंसर आँ देखते क्या होना चाहिए सही अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन नाउ कम प्लीज इन साइड कम इन साइड प्लीज नाव प्लीज कम इन साइड नाव इन साइड कम नाव प्लीज सो कुछ आप बताओ क्या ये ऑप्शन ए आपको करेक्ट लग रहा है नाउ कम प्लीज इन साइड कम इन साइड प्लीज नाव प्लीज कम इन साइड नाउ येस एंड इन साइड कम नाउ प्लीज लो यस yes. बच्चों आपको बता दूं कि प्लीज जो ये रिक्वेस्टिंग वर्ड है ये हमेशा ही सेंटेंस के शुरुआत में आता है सो प्लीज कम बोलते ना प्लीज कम प्लीज गो प्लीज टेक इट सो बच्चों इससे आप एक सेंस लगाना कि प्लीज कम प्लीज कम कहां बोलते ना बच्चों आप बोलते ना प्लीज कम हियर तो वैसे ही आप बोल दोगे कि प्लीज कम इनसाइड नाउ और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा Now come, please, inside, नहीं हो सकता बच्चों कम इन साइड प्लीज नाउ भी नहीं प्लीज भी नहीं ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन स्कूल यू विच डू गो टू क्वेश्चन मार्क देखो बच्चों यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया इसका मतलब की ये कोई क्वेश्चन ही पूछ रहा है राइट right? तो अभी आप कुछ आगे बताओ क्वेश्चन वाला वर्ड इसमें कौन सा है स्कूल यू विच डू गो या फिर टू विच विच यस और आप देख सकते हो ऑप्शन में भी सारा विच से स्टार्ट है राइट yes. right? अभी चलो हम देखते हैं अभी देखो यहां पर दिया स्कूल यू विच डू गो टू अब देखो विच यू स्कूल डू गो टू विच स्कूल डू यू गो टू विच डू स्कूल यू गो टू Which school you do to go? आप कंफ्यूज हो गए ना yeah. अब आप इसको ध्यान से सुन थोड़ा धीरे दो बच्चों मैंने यहाँ पे जानबूझ कर थोड़ा जल्दी जल्दी बोला कि बच्चे कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ते और उनको लगता है उफ तो बहुत ही डिफिकल्ट है अब हम इसको धीमे धीमे पढ़ेंगे ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ आराम से पढ़ो बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो चलो विच यू स्कूल डू गो टू क्या ये सही लग रहा है विच यू स्कूल Which you, school, कभी कोई बोलता है नहीं, नहीं। अब, अब इसको आप रॉन्ग कर ही दो <coughs> अब यहां देखो विच स्कूल डू यू गो टू क्या आपसे कभी किसी ने पूछा? नहीं।, नहीं लग रहा है ओके विच डू स्कूल यू गो टू ये अभी कैसा ऐसा क्वेश्चन किसी ने पूछा विच डू स्कूल यू गो टू ऐसा लग रहा है आपको विच डू स्कूल लग रहा शायद भी. आपको लग रहा है शायद कैसे yes. कैसे लगा? क्वेश्चन कैसे करते हैं। yes. yes. स्कूल जाते हो तो हमारा सवाल होगा विच स्कूल बच्चों कभी भी विच डू स्कूल नहीं होगा विच यू नहीं होगा आप ऑब्जेक्ट आ रहा है विच स्कूल यू डू टू गो भी नहीं होता यू च स्कूल डू यू गो टू ठीक है हाँ तो ये आपका करेक्ट आंसर है विच स्कूल डू यू गो टू सो so, ठीक है बच्चों आप भी ऐसे ही कोशिश करने जैसे कुशाग्र ने पहली बार में उसने नहीं गेस कर पाया बट सेकेंड टाइम में उसको लगा कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं ऐसे ही स्कूल में टीचर्स या फिर कोई और पूछते हैं विच स्कूल डू यू गो टू आप कौन से स्कूल जाते हो तो विच स्कूल डू यू गो टू राइट सो so, थोड़े बहुत इंग्लिश कन्वर्सेशन भी किया करो जिससे कि आपको इसी टाइप के ओलंपियाड में जब भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझना ईजी होगा अभी और चलो देखते हैं नेक्स्ट स्कूल

बट हम फोर पर भी आते हैं no. मेनी फ्रेंड्स है आई हैव मेनी फ्रेंड्स मेरे पास बहुत से फ्रेंड है कहाँ पर एट स्कूल एंड स्कूल में मेरे बहुत से फ्रेंड है आई हैव मेनी फ्रेंड्स एट स्कूल राइट अच्छा अगर आपको बोलना है कि मेरे पास बहुत से पेंसिल हैं, तो आप क्या बोलोगे आप कैसे I have many hmm. pencils. Yes, आई हैव many पेंसिल्स मेरे पास बहुत से बुक्स है आई हैव many बुक्स ठीक है मेरे पास बहुत से टॉयज है आई हैव मेनी टॉयज बच्चों इसी टाइप के आप सेंटेंस बनाओ और फिर देखो कोई भी एग्जाम हो आप बहुत अच्छे से कर एग्जाम में बच्चों देखिए फर्स्ट सेकंड आना अलग चीज है एटलीस्ट आप अटेम्प्ट तो करो अपनी कोशिश करो बच्चों आप अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करो चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 29 बेस्ट डॉग्स अ आर मेंस फ्रेंड ठीक है तो बेस्ट तो आप समझ ही गए डॉग्स पता ही है अ आर दिया हुआ है आर है तो आर यानी कि हैं ज्यादा के लिए अभी यहाँ पर कौन सा वर्ड प्लूरल में है आप बताओ बेस्ट डॉक्स अ आर मेंस या फ्रेंड कौन सा प्लूरल वाला वर्ड है फ्रेंड, फ्रेंड। इसमें एस लगा है क्या तो प्लूरल क्या है प्लूरल आर।, आर तो है मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कौन सा नाउन प्लूरल में है जैसे कि गर्ल girl का गर्ल्स हो जाता है बॉय boy का बॉयज हो जाता है यहाँ कोई वर्ड है जो प्लूरल में लिखा हुआ है इसमें आपको टाइम नहीं लेना चाहिए था वेरी बेड हैबिट कुछ भी टाइम नहीं लेना चाहिए था चलो आपने सही बताया दैट इज ऑल राइट बट बच्चों इतना टाइम लोगे तो कैसे आप एग्जाम में करोगे ये डॉग्स है राइट right? इसका मतलब ये है कि ये प्लूरल है तो डॉग्स के ही साथ आर लगेगा अभी ये आपको दिमाग में बसा लेना है कि डॉक्स आर ही होना चाहिए ये चीज बच्चों आपको दिमाग में बसा लेनी राइट अभी देखो अभी यहां पर ऑप्शन में भी लिखा है डॉक्स आर अ अन्स बेस्ट फ्रेंड फिर दिया है बी फ्रेंड्स डॉक्स आर अ अन्स बेस्ट क्या ये सही लग रहा है बेस्ट आर अ डॉक्स मैं फ्रेंड बेस्ट मैं फ्रेंड्स आर डॉक्स तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ए।, ए ए ही हमारा करेक्ट है बच्चों अभी मैंने आपको सिखाया बोला था डॉग्स आर यानी कि डॉग्स तो देख लीजिए डॉग्स आर डॉग्स हैं क्या है अस बेस्ट फ्रेंड मैन के बेस्ट फ्रेंड डॉग्स होते हैं ठीक है चलो आई होप बच्चों की आप भी यही आंसर बताए हो ऑप्शन ए चलो बच्चों अब लास्ट के कुछ फाइव क्वेश्चन और हैं और अगर बच्चों वीडियो पसंद आ रही होगी तो so लाइक like करना बिल्कुल भी नहीं भूलना yes. अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना चलो स्टूड रवि इन फर्स्ट क्लास सभी का मीनिंग क्लियर है yes. चलो रवि स्टूड फर्स्ट क्लास इन सही hmm. लग रहा है no. जब नो no लग रहा है तो भी चलो क्रॉस करो स्टूड रवि फर्स्ट इन क्लास No. रवि क्लास फर्स्ट इन स्टूड yes. अच्छा चलिए ये आपके अनुसार रवि स्टूड फर्स्ट इन क्लास। नो। no. सो no. so, कुछ अगर आपका आंसर रॉन्ग था क्योंकि ऑप्शन सी ही सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट था ओ एम सो सॉरी मैं भी कुछ के साथ थोड़ी सी ना कंफ्यूज हो जाती हूँ मुझे रेस करना पड़ेगा हाँ। सो so, बच्चों देखो रवि स्टूड फर्स्ट यानी रवि क्लास में फर्स्ट आया स्टूड फर्स्ट इन क्लास इज इट ओके आप बच्चों कभी भी ये नहीं करोगे रवि क्लास फर्स्ट रवि क्लास फर्स्ट कोई कभी वर्ड सुना है आपने रवि क्लास फर्स्ट इन स्टूड ऐसा सुना है yeah. ऐसा सुनते भी नहीं बच्चों हम लोग तो ये ग्रामेटिकली देखो सुनने में भी कितना हॉट लग रहा है इसलिए ऑप्शन हमारा यही सही होगा रवि ये हमारा सब्जेक्ट है फिर हमारा ये क्या है ये वर्ब है स्टैंड का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया स्टूड ठीक है सो रवि स्टूड फर्स्ट इन क्लास रवि स्टूड फर्स्ट इन क्लास चलो अभी कम टू थर्टी वन थर्टी थर्टी वन इज फ्रेंड्स राम आर गुड एंड रहीम दो बॉयज के नेम आए हैं किसके किसके रहीम एंड राम रहीम एंड राम के अब चले देखते हैं राम रहीम एंड आर गुड फ्रेंड्स राम एंड रहीम आर गुड फ्रेंड्स यस चलो ठीक है फिर भी हम कुछ और भी चलो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ऐसा कर दू सभी बच्चों को क्लियर भी दिखना चाहिए ना गुड फ्रेंड्स आर राम एंड रहीम राम रहीम गुड फ्रेंड्स एंड आर यानी आपका ऑप्शन बी सही था राम एंड रहीम आर राम और रहीम है क्या है गुड फ्रेंड इसलिए हमारा बी ही करेक्ट था अभी आ, चलो अभी आते भी क्वेश्चन नंबर थर्टी टू पर चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी टू कमऑन क्वेश्चन जल्दी करिए आई होप कि आप इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे और बच्चों आप भी ग्रेट इंडिया अ कंट्री इज इंडिया ग्रेट कंट्री अज ग्रेट कंट्री इंडिया इज अंडिया इज अ ग्रेट कंट्रीट्री इंडिया इज ग्रेट अच्छा आई होप बच्चों ने यही दिया होगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा की आज की इस वीडियो में आपने लगभग कितने क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए थे इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री एंड वी ऑल आर इंडियन है नो अच्छे से अच्छे आ रहा है देखिए कुछ के अकॉर्डिंग हम लोग इंडियन है इसलिए हम लोग को अच्छे से आ रहा है आई होप बच्चों की हम सभी इंडियंस को ओ, ओ, ऐ, जो भी हो चाहे वो इंग्लिश हो साइंस हो हम सभी अच्छा करें और अपने इंडिया के लिए समथिंग ग्रेट करें है ना yes. आ, आप पढ़ाई अच्छे से करते हो तो इट इज आल्सो अ ग्रेट सर्विस ऑफ अवर कंट्री चलो अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पर गार्डनिंग हॉबी रमन इज बच्चों मैं आपको बार बार बता दू जहां भी एस है आप समझ जाओ रमन मतलब का, का या के या की अब चलो देखो रमन हॉबी इज गार्डनिंग हॉबी गार्डनिंग रमन इज रमन गार्डनिंग इज हॉबी रमन इज गार्डनिंग हॉबी कुछ आपको कौन सा करेक्ट लग रहा था इज गार्डनिंग मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा और इसलिए आप कंफ्यूज हुए आप फिर से देखो रमन हॉबी इज गार्डनिंग ए, ए, right. इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना आपको जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है मैं जल्दी जल्दी पढ़कर आपको यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आप एग्जाम में इतनी जल्दी जल्दी भी पढ़ोगे तो आप कन्फ्यूज हो इसलिए एक एक सेंटेंस पर आप ध्यान दोगे रमन हॉबी रमन की हॉबी इज रमन की हॉबी है गार्डनिंग रमन की हॉबी गार्डनिंग है तो आपको लग रहा है अरे ये तो बिल्कुल सही सेंस दे रहा है तो इसको आप दिमाग में बसा लो कि ये तो सही लग रहा है मुझे बाकी थ्री पढ़ो इज इट ओके कभी हॉबी गार्डनिंग तो होता नहीं ठीक है कभी रमन गार्डनिंग इज हॉबी में होना नहीं रमन इज गार्डनिंग तो हो नहीं सकता ठीक अभी चलो आज की वीडियो के लास्ट टू क्वेश्चंस फिर हम यहीं पर वीडियो को एंड करेंगे राम एंड राशि स्टडिंग रोहित एंड स्टडिंग नाउ देखो इतने लोग के नाम है राम राशि रोहित ठीक है एंड स्टडिंग आर स्टडिंग नाउ ओके यहाँ पे टू टाइम्स जो है वो आपको स्टडिंग जो है वो दिया हुआ है ठीक है टू टाइम्स स्टडिंग क्यों दिया हुआ है आई थिंक इट शुडंट बी देयर बच्चों हो सकता है कि इट मस्ट बी बाय मिस्टेक क्योंकि टू टाइम्स स्टडिंग का क्या मतलब है फिर भी चलिए आइए देखते हैं राम आर स्टडिंग रोहित एंड राशि नाउ इज इट करेक्ट आपको सही लग रहा है राम आर राम आर राम आर, राम आर फिर आपको ध्यान देना बच्चों राम के साथ आर कैसे लगना है अभी देखो राम रोहित एंड राशि नाउ आर स्टडिंग ऐसे बोलते हैं क्या नाउ आर कभी बोलते हैं इसलिए राम राम रोहित एंड राशि आर स्टडिंग नाउ yes. हम्म ये करेक्ट लग रहा है राम रोहित एंड राशि राम रोहित और, और स्टडिंग पढ़ रहे हैं कब पढ़ रहे हैं नाउ अब अभी जस्ट फिलहाल हम डी वाला देखते हैं उसके बाद हम लोग फाइनल करेंगे राम रोहित राशि एंड आर स्टडिंग नाउ इज इट करेक्ट क्योंकि राम रोहित राशि एंड तो होता नहीं है राम रोहित एंड राशि आर स्टडिंग नाउ इसलिए बच्चों हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा क्योंकि राम रोहित राशि एंड ऐसा कभी होता ही नहीं ठीक है ना दो नाम के बीच में या तीन नाम के बीच में एंड आना है कंजक्शन ठीक है चलो और आज की वीडियो का हम ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं चलो आवर हैज सोल्जर्स आर्मी ब्रेव ओके आवर हैज सोल्जर्स आर्मी ब्रेव अब देखो आवर सोल्जर्स हैज ब्रेव आर्मी आवर ब्रेव आर्मी हैज सोल्जर्स सोल्जर्स ब्रेव आवर आर्मी हैज आवर आर्मी हैज ब्रेव सोल्जर्स ये दिस इज द करेक्ट आंसर आर्मी है, हमारे आर्मी में है क्या है ब्रेव सोल्जर्स ठीक है आवर आर्मी हैज ब्रेव सोल्जर्स आई होप बच्चों आपने भी ऑप्शन डी ही बताया होगा इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस करें दें डेफिनेटली आप भी बहुत अच्छा कर जाओगे अपने हर एग्जाम में सो so, आज के लिए बस इतने अगले वीडियो में आएंगे हम कुछ और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें पढ़ाई करें और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ओलंपियाड पर नहीं देखी है तो so, प्लीज आप इंग्लिश ओलंपियाड के प्लेलिस्ट को खोलें और उन वीडियोस को जरूर और जरूर से देखें अपना फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में नहीं भूलिएगा थैंक यू